तो इस वीडियो में जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे वो देखेंगे लिंक का कॉन्सेप्ट। हम लोग देखेंगे कि लिंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे एक यूजर डिफरेंट पेजेस पे मूव कर सकता है, और देखेंगे कि लिंक कितने या यूआरएल कितने टाइप के होते हैं, टारगेट का क्या मतलब होता है और फोर डिफरेंट टाइप के टारगेट्स क्या होते हैं, और अगर आप किसी एक वेबसाइट पे हैं तो यूजर को कैसे नेविगेट करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले लिंक का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जो कि होगा 7.html। 7.html बनाने के बाद मैंने अभी तक लिंक का यूज कई बार किया, जैसे इसमें भी मैंने यूज किया, बट मैंने अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसमें मैं पहले लगा लेता हूँ बॉयलरप्लेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक इन HTML। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले लिंक क्या होता है। तो जो पहले लिंक होता है वो होता है एक जरिया जिसके थ्रू हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ नेशन की तरफ विजिट करते हैं। अब इस डेस्टिनेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे HTML फाइल्स हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पे कोई इमेज हो सकता है, यहाँ पे कोई वीडियो हो सकता है, यहाँ बहुत सारे मतलब आप सोर्स पे क्लिक करेंगे और उसके थ्रू आप किसी जाएंगे किसी अनदर डेस्टिनेशन पे। जैसे आप अगर अभी हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग पर्टिकुलर लिंक से या पर्टिकुलर होम पेज से जा रहे थे गूगल पे या याहू पे, तो वो होता है विजिट, तो वो होता है लिंक के थ्रू। तो लिंक का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है HREF के थ्रू। HREF के थ्रू हम लोग विजिट कर सकते हैं पेजेस को। तो HREF के थ्रू विजिट करने के लिए हम लोग को पहले देना होता है एंकर टैग। तो एंकर टैग देने के लिए आपको ये लिख के सिंपली यहाँ पे क्लोज कर दिए, तो ये होता है एंकर टैग। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, और मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिए HREF इक्वल टू https://google.com। तो और ये रहा गूगल। अगर मैं गूगल पे क्लिक करूँ तो सिंपली इस पेज पे गूगल ओपन हो जाएगा। इसमें अभी तक कुछ ऐसा था नहीं खास जो कि आपको नहीं पता, पिछले वीडियो में मैंने इन सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। साथ ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टारगेट क्या होता है। तो टारगेट मतलब कि आप उसको कहाँ खोलना चाहते हैं। जैसे हमने अभी तक जो देखा है वो देखा है सेल्फ। सेल्फ मतलब होता है कि आपका जो पेज है वो उसी पेज के ऊपर लोड हो जाएगा, तो ये होता है सेल्फ। और जो अगला होता है वो होता है टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अगर आप ब्लैंक देंगे तो वो हमेशा नेक्स्ट पेज में ओपन होगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे अब हम लोगों ने गूगल पर क्लिक किया तो गूगल नेक्स्ट पेज में ओपन हुआ। उसके बाद होता है पेरेंट, जो कि उसके पेरेंट को ओपन करता है, और टॉप होता है कि टॉप ऑफ द विंडोज जाके ओपन करता है। तो टॉप और पेरेंट एक बार आप देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं आगे। तो जो अपने HREF होते हैं उनके तीन तरह के स्टेट्स होते हैं। स्टेट मतलब क्या कि वो तीन डिफरेंट टाइप के स्टेट्स में हो सकते हैं। जब हम लोग CSS कवर करेंगे तब हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी के लिए समझ लेते हैं। पहला होता है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पे कि कोई पेज ओपन हुआ, जैसे अगर आपने होम पे किसी साइट के होम पेज पर क्लिक किया हुआ है तो वो उसका एक्टिव स्टेट होता है। जैसे कि अगर मैं अभी यूट्यूब पे आके अभी मैं ट्रेंडिंग पे क्लिक करूँ, तो ट्रेंडिंग पे मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये उसका अभी एक्टिव स्टेट होगा, और ये होम वाला सेक्शन वो उसका विजिटेड स्टेट होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्टिव क्या होता है और विजिटेड क्या होता है, और उसके साथ आता है अनविजिटेड। तो अभी मैं होम पे हूँ, ट्रेंडिंग को मैं विजिट कर लिया, बट अभी सब्सक्रिप्शन को मैंने विजिट ही नहीं किया, तो ये क्या है, अनविजिटेड है। लाइब्रेरी हिस्ट्री को मैंने विजिट ही नहीं किया। अगर मैं आ जाऊँ सब्सक्रिप्शन पे तो ये दोनों अब क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया एक्टिव स्टेट, ये दोनों हो गए विजिटेड स्टेट, और ये सारे हो गए अनविजिटेड स्टेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला होता है एक्टिव, फिर होता है विजिटेड, और फिर होता है अनविजिटेड। और जब इसको हम लोग CSS पार्ट कवर करेंगे तब हम लोग इस पार्ट को कोड करके समझेंगे कि हम लोग कैसे एक्टिव, विजिटेड और अनविजिटेड स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं यूजर के इंटरेक्शन के हिसाब से। तो एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉवर। हॉवर मतलब क्या है, जब आप माउस का अपना ये लेके जाएंगे तो हॉवर प्रॉपर्टी को मैंने कवर किया था आई थिंक एक वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी टाइटल टैग, टाइटल के बारे में, टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर कि गूगल, अगर मैं अब इस पे हॉवर करूँगा तो आपको हॉवर का मतलब समझ में आएगा। अगर मैं इस पे हॉवर करूँ अपना माउस तो आपको देखिए गूगल लिखा हुआ आ रहा है। ये हॉवर करने पे मतलब जब आपका माउस जाएगा तो ही लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं हॉवर करना, और इसके जब यूजर हॉवर करे तो उसका कलर चेंज हो जाए, उसका बैकग्राउंड इमेज या उसके बेसिकली स्टाइलिंग चेंज हो जाए, इसको भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये हम लोग तब करेंगे जब हम लोग देखेंगे अपना CSS का पार्ट, बट अभी के लिए। और उसके बाद आता है कि जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई, तो आपने एक बहुत बढ़िया सा वेबसाइट बनाया, उसमें लेट्स से 4 या 5 कॉलम है। तो मैं एंकर टैग में लिख लेता हूँ कि आपके पास एक होम है, यहाँ पे एक और है, लेट्स से आपके पास एक अबाउट अस का पेज है,
यहाँ पे एक और पेज है कॉन्टेक्ट अस का, सॉरी यहाँ पे एक और पेज है जो कि कॉन्टेक्ट अस का पेज है। या आपके पास तीन चार पेजेस हैं और मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग पेजेस बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे और इसी को मैं कॉपी करके सीधा चिपका देता हूँ अबाउट अस पे। इसको मैं करता हूँ अबाउट अबाउट, इसको मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, अबाउट पेज, और ये अपना है होम पेज। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पेजेस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब अगर मैं अभी इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मेरे को तीन चीजें दिख रही हैं, क्या होम, अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, क्लिकेबल होना मतलब क्या, आप उसको क्लिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्लिक कर सकते, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कोई एच आर एफ लिंक नहीं है। तो ये तरह होम, तो और मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ, मैं यहाँ पे लिखूँ एच आर ई एफ इक्वल टू बैक स्लैश, और मैं यहाँ पे दे दूँ अबाउट डॉट एस टी एम एल, और यहाँ पे आके मैं लिख दूँ एच आर ई एफ इक्वल टू कॉन्टेक्ट डॉट एस टी एम एल, और यहाँ पे आके मैं लिख दूँ एच आर ई एफ इक्वल टू सेवन डॉट एच टी एम एल। अब मैं इसको अगर क्लिक करूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं इसका टारगेट अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में, बेसिकली नहीं तो उसी पे ओवरलैप करेगा बार बार, तो उस सेम पेज पे खुल जाएगा बार बार, तो फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसीलिए मैं इसको टारगेट अलग करता हूँ ताकि नेक्स्ट पेजेस में ओपन हो। टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक, और इसका भी मैं कर देता हूँ टारगेट ब्लैंक। तो लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई जिसमें तीन चीजें हैं। अब देखिए जो मैं आपको बोल रहा था विजिटेड और अनविजिटेड वाली सीन, यहाँ पे जो आपका होम है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस थोड़ा डिफरेंट कलर का, क्योंकि अभी तक हमने उसको विजिट नहीं किया है। अगर मैं अबाउट अस पर क्लिक करूँ तो इसका कलर देखिए चेंज हो गया, मतलब ये विजिटेड हो गया और ये अभी भी अनविजिटेड है, और हमारे अबाउट का पेज खुल गया जहाँ पे लिखा है दिस इज अबाउट पेज। ऐसे आपके पास कॉन्टैक्ट पेज है तो आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट, अब इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास बहुत सारा कोड होगा, वो अलग, वो हम लोग बाद में कोड करके देखेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज पे क्यों नहीं लिखा रहा है दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज कॉन्टैक्ट पेज होम पेज। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने देखा अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी हम लोगों ने एक बार विजिट कर लिया तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, बट अभी हम लोग देख सकते, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे विजिटेड अनविजिटेड। अगर जैसे आपको होवर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, अगर मैं ऊपर जाऊं और अपना अपना माउस अगर लेके जाऊं, अगर मैं इसको जूम करता हूं, पहले मैं इसको जूम करता हूं, सॉरी ये जूम नहीं हुआ, अगर मैं यहां पे हूं तो देखिए आप इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, कॉन्टेक्ट पे हल्का सा कलर, अबाउट पे तो हल्का सा चेंज हो रहा है जब मैं माउस का एरो लेके जा रहा हूं, तो ये बोलते हैं होवर करना। और इसके थ्रू आप वेबसाइट्स के लिंक को विजिट कर सकते हैं, जैसे अगर यूजर चाहे तो अबाउट अस पे चला जाए, यूजर चाहे तो कॉन्टेक्ट पे चला जाए, यूजर चाहे तो फिर बैक करके होम पे चला है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अभी हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी में नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग बस ये समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग लिंक को, या कैसे हम लोग लिंक्स कर सकते हैं। जैसे हमने, मैंने शुरुआत में बोला कि सोर्स है डेस्टिनेशन, तो सोर्स क्या था अबाउट, या सोर्स क्या था होम पेज, जहाँ से हम लोगों ने क्या डेस्टिनेशन क्या था हमारा जब हमने अबाउट अस पे क्लिक किया था, अबाउट अस पेज। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारी कहानी लिखी होगी, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, जो भी सारी चीज़ें लिखी हों इस पेज में, बट यहाँ पे हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट जरूर हो गए। तो इतना ही था इस वीडियो में, अभी मैंने कुछ पार्ट स्किप किया है। अगर आपको पूरा पार्ट देखना हो, मतलब अगर सारी चीज़ें एकदम डिटेल में देखनी है, तो मैं आपसे एकदम रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को, अभी ये आ रहा होगा आई थिंक वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा आपको, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी एट्रीब्यूट्स के बारे में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बट ये सारे वीडियो जहाँ पे मैंने टैग्स और फॉर्मेटिंग की बात की है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हद तक और बहुत सही से आइडिया लगेगा कि टैग्स कैसे काम करते हैं। वहाँ पे मैंने कवर किया है लॉजिकल और फिजिकल टैग्स के बारे में, जहाँ पे आपको समझ में आएंगी सर थोड़ी और चीज़ें। और उन्हें भी मैंने, जब मैं एंकर टैग बता रहा था तो मैंने ये भी बताया कि कैसे दो तरह के URL होते हैं, एब्सोल्यूट URL होता है और दूसरा होता है रिलेटिव URL। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो ये कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए इस चैनल के, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको इस पर्टिकुलर प्लेस को एक्सेस करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने अभी तक सारे वीडियोस सिक्वेंसली अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने इसको सारा अभी तक देख लिया तो आपका HTML मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हुआ होगा अभी तक, और अपकमिंग वीडियोस में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। तो आप IT कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।